आइए, आपका स्वागत है। काफी लोग पूछते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या होता है, तो बात करता हूं मैं अभी इम्पोर्टेंस के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। इम्पोर्टेंस को इरेक्टाइल डिसफंक्शन और साइकोजेनिक इम्पोर्टेंस बोलते हैं, या नपुंसकत्व बोलते हैं, या फिर मैं काम नहीं कर सकता हूं इसलिए लोग हमारे पास में आते हैं कि मैं काम का नहीं रहा। सो ऐसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन या लाइक देयर इज नो इरेक्शन करके हमारे पास में लोग आते हैं, मेनली बोलते हैं मैं इंपोर्टेंट हो गया हूं, आई एम नॉट पोर्टेंट। तो इसका मतलब यह है कि शिश्न में कठोरता नहीं आना। एक तो कठोरता आना ही नहीं है, या कठोरता आती है मगर वो टिकती नहीं है जब तक पूरा इंटरकोस खत्म नहीं होता तब तक। तो इंटरकोस पूरा खत्म होने के पहले ही कठोरता टिकती नहीं है, कठोरता आती है मगर टिकती नहीं है, या कम कठोरता रहती है, जितनी चाहिए उतनी नहीं रहती, कड़क नहीं रहती है, या फिर कठोरता आती नहीं है। तो इसमें प्रॉब्लम यह है कि काफी सारे लोग इससे ग्रसित है। लाइक 2 से 4% लोग 35 साल की उम्र में, 2 से 4% लोगों को यह पाया गया। 80 साल की उम्र में 77% लोगों को यह प्रॉब्लम है, और जनरल पॉपुलेशन जो है आबादी उसमें 8% लोगों को यह प्रॉब्लम दिखाई दिया। ये जो नपुंसकत्व है या इंपोर्टेंस जो है, ये 35 से 50% सभी जो सेक्स डिसऑर्डर है उसमें का ये हिस्सा है। और ये नपुंसकत्व या इंपोर्टेंस जो है वो साइकोलॉजिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, जनरलाइज है या सिचुएशनल है। तो जनरलाइज है मतलब ये सभी सरकमस्टेंसेस में मौजूद है, मतलब सभी जगह ये प्रॉब्लम आता है। सिचुएशन मतलब वो पर्टिकुलर सिचुएशन में होता है, या वो व्यक्ति जो है वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ में या प्रोस्टिट्यूट के साथ में कर सकता है मगर पत्नी के साथ में नहीं कर सकता, ऐसा हो सकता है। वो हो सकता है कि लाइफ लॉन्ग है या अक्वायर्ड है। लाइफ लॉन्ग इसका मतलब कभी लिंग में उसके कठोरता आई नहीं है, और अक्वायर्ड इसका मतलब है कि पहले कठोरता आई थी, वो सेक्स कर सकता था और अभी सेक्स नहीं कर सकता क्योंकि अभी कठोरता आती नहीं है। तो इसका इलाज करने के लिए देखना पड़ेगा कि यह साइकोलॉजिकल है कि फिजिकल है, मानसिक है कि शारीरिक है। यदि 40 साल के या 35 साल की उम्र के पहले यदि कोई व्यक्ति आता है हमारे पास में, तो हम बोलते हैं कि नहीं ये साइकोलॉजिकल है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मैक्सिमम। मगर 43 साल के बाद में कोई आता है कि पहली बार ऐसा हो गया, तो हमको देखना पड़ता है कि क्या बीमारी है शारीरिक। हो सकता है कि उसको डायबिटीज है, उसको ब्लड प्रेशर है, या कोई दवाई ले रहा है हो, या ऐसी कोई शारीरिक बीमारी है कि जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, कि नर्व का प्रॉब्लम है, कि आर्टरीज का प्रॉब्लम है, या उसको कोई साइकेट्रिक इलनेस है लाइक डिप्रेशन है, स्किजोफ्रेनिया है जिसकी वजह से नहीं हो रहा है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है डर, टेंशन, चिंता, गुस्सा, या फिर समाज का डर, या कहीं पकड़े गए कुछ ऐसा अनैतिक करते करते पकड़े गए, वहाँ से फिर इरेक्शन लॉस हो गया, या पति पत्नी में जमता नहीं है, रिलेशनशिप बहुत डिस्टर्ब है, कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, प्यार नहीं है, इंटीमेसी नहीं है ना, बिल्कुल नज़दीकता नहीं है और झगड़े हो रहे हैं, ऐसा कुछ हो जाता है, या बहुत सारी थकान हो गई है, या फिर बहुत सारे गलत फहमियाँ हैं कि भाई मास्टरबेशन हस्तमैथुन किया तो नपुंसकत्व आता है, पहले बहुत हस्तमैथुन किया तभी नपुंसकत्व आ गया, तो ऐसे हो सकता है। या फिर उसको ऐसा होता है कि कभी कभी कोई सिचुएशन में ऐसा एक आधी बार हो जाता है थकान के जरिए, या ऐसा कोई प्रॉब्लम है, टेंशन है, एक बार ऐसा हो गया फिर सेकंड टाइम उसको लगता है कि अभी पिछले बार ऐसा हो गया, अभी मैं नहीं कर सकूंगा, और फिर वो दूसरे बार बहुत टेंशन रहता है परफॉर्मेंस का, उसको एंटिसिपेटरी एंग्जाइटी रहती है कि मैं कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा, और एंग्जाइटी से वो कर ही सकता नहीं है, और फिर वो एक के पीछे ऐसा फेल हो जाता है। तो इसके लिए जो है वो इलाज है, लाइक सिल्डेनाफिल टैबलेट है, टाडालाफिल टैबलेट है, वरदानाफिल है, अभी पेपेवरिन का इंजेक्शन हम देखे देते हैं, एंग्जाइटी कम करने के लिए दवाइयाँ हैं, कोई टॉनिक्स देते हैं, कोई B12 विटामिन कम है, विटामिन D3 कम है, जो भी कम है, कोई विटामिन की कमी है तो वो रिप्लेस कर देते हैं, या फिर साइकोलॉजिकल उसको काउंसलिंग देते हैं, साइकोथेरेपी है, मास्टर्स एंड जॉनसन टेक्निक है, हिप्नोथेरेपी है, या ऐसे अलग अलग दवाई देके उसका इलाज किया जा सकता है। ये इलाज करने के लिए लोग अक्सर डॉक्टर के पास में जाते नहीं है, पेपर में पढ़ते रहते, अखबार में पढ़ते रहते कि ये दवाई है, उसके ऊपर घोड़े का बैल का चित्र रहता है कि भाई उसके घोड़े जैसा बनने का है, मेरे को बैल जैसा बनने का है, तो ऐसा सब फजूल है, वो उसमें कोई मतलब नहीं है, वो दवाई कुछ काम करती नहीं है, सिर्फ लूट लाट हो जाती है उसमें। इसमें आप पर्टिकुलर दवाई लेते हैं, जैसा मैंने अभी जो बताया नाम, वो दवाई लेते हैं और फोर प्ले करते हैं, वो स्पेस में जाते हैं, स्पेस कौन सी, सेक्स की स्पेस, वो बेडरूम की स्पेस,
बातचीत करना, आपस के झंझे झगड़े जो है, झंझट जो है वो निपटाना, एक दूसरे से प्यार करना, क्लोज होना, और फिर दवाइयाँ, ऐसा सब करके इसका इलाज अच्छा हो सकता है। जैसा मैंने बताया कि काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है, इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर करो, क्योंकि लोग बोलते नहीं है बाहर। शायद हो सकता है कि आपके नज़दीकी लोग हैं उनको ये प्रॉब्लम होगा, मगर वो बोलते नहीं है कि हमको ये प्रॉब्लम है। तो वो लोगों को शेयर करेंगे तो लोग अपना खुद का इलाज कर सकेंगे। हमारा जो लक्ष्य है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। इसके लिए आप हमारे पार्टनर बन जाएंगे। हम अलग अलग बीमारियों के, मतलब उसके बीमारियों के, डिसीजेस के हम वीडियो डालते रहते हैं। वो वीडियो आप जितने ज़्यादा शेयर करेंगे, लोगों में लिटरेसी बढ़ेगी और लोग अपना अपना इलाज करके एक अच्छा देश का निर्माण करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।